सो हे गाइस, पीयूष हियर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड जो है वो आप कैसे चेंज कर सकते हो, फोटो का, सिर्फ और सिर्फ फोटो का। ठीक है, दो वे से बताऊँगा, एक बताऊँगा वेबसाइट और एक बताऊँगा विदाउट ऐप। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंडिंग तक देखना, और इससे जो है मैं कहूँगा जो कई यूट्यूबर्स होंगे या फिर जिन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दिया है उनको ये थंबनेल बहुत ही ज़्यादा वर्क करेगा। और मेरे पास भी जो है मैसेजेस आते थे कि भाई तो अपनी जो फोटो का कटआउट है वो कैसे करता है, तेरे जो फोटो का कटआउट बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाता है और पूरा लगता ही नहीं यहाँ कटआउट करा, लगा है कि उसी बैकग्राउंड में तू खड़ा है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हो बहुत ही सिंपलेस्ट वे में। तो बस आपको मैं एक काम करना है, इस वीडियो को देखना है एंडिंग तक, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करते हो। इस वेबसाइट का नाम है remove.bg। तो आप इस ऑप्शन को गूगल पे ओपन कर लेना है, फिर आप कोई से ब्राउज़र पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है अपलोड इमेज का। अपलोड इमेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मैंने कुछ मतलब हुआ था ना तो ऐसा कुछ आ जाएगा। उसके सामने बाद क्या रहेगा, हमें यहाँ से अपना जो फ़ोटो है यहाँ पे मैं ब्राउज में जाकर मैं फ़ोटो जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये वाली वीडियो है फ़ोटो है, तो जैसे मैंने इस फोटो को सिलेक्ट करा तो आप देख सकते हो अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा और कुछ ऐसा आ जाएगा। आप देख सकते हो जो मेरी यह फ़ोटो है वो हो चुकी है एकदम अच्छे से, उसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। लेकिन आप थोड़ा देख पा रहे हो उसके इसमें जो कलर देखो बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ा है, थोड़ा गिर सा गया है कलर। ओके, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इसको कर लेते हैं हम अपन डाउनलोड। तो यहाँ से जो है आप इसे डाउनलोड कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजी वे में। सो गाइस, अभी तो मैंने आपको बताया कि आप वेबसाइट से फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हो या फिर उसे रिमूव कर सकते हो। अब जो है मैंने वेबसाइट से होता तो मैं आपको वेबसाइट पर जाकर छोड़ देता, लेकिन अब मैं वेबसाइट पर क्यों नहीं छोड़ रहा, मैं आपको ऐप से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वेबसाइट में क्या सीन हुआ कि जब हमने वीडियो को सॉरी जो हमने वहाँ फोटो दी, जब हमने उसको कटआउट करा उसका बैकग्राउंड, क्या हुआ आपने थोड़ा सा आपने नोटिस करा होगा जो हमारा फ़ोटो का कलर ग्रेड था वो हो गया था थोड़ा कम, बहुत ही कम हो गया था। क्योंकि एक नेचुरल फ़ोटो और एक थोड़ा कलर ग्रेड में फ़र्क होता है, चाहे आप उसे बढ़ाओ या घटाओ, तो मेरे को जहाँ तक अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन अभी जब मैं आपको बताऊँगा किसी ऐप से, उसमें कुछ भी ऐसा सीन नहीं होने वाला है। पहले बात मैं आपको बता दूँ, उसमें ना कोई पिक्सल आर्ट है ना कोई पिक्सल है, एक वेबसाइट एक ऐप है, उस ऐप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप जो है उसे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको कोई सा भी ऐप मिल जाए फोटो चेंजर के नाम से, फोटो बैकग्राउंड चेंजर कोई सा भी ऐप आप जो है उसे डाउनलोड कर सकते हो, प्रोसेस सेम ही होना है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं अपने ऐप वाले प्रोसेस की तरफ। आप जो है ये वाला ऐप डाउनलोड कर सकते हो या फिर मैं आपको इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका नाम है बैकग्राउंड चेंजर रिमूव बैकग्राउंड फोटो एडिटर। सिंपली आपको कर लेना है इसे ओपन, ओपन जैसे कर ओपन के बटन पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे ऐप है वो यहाँ हो जाएगा ओपन। तो कुछ टाइम लेने के बाद कुछ यहाँ पे आपको पॉलिसी जो है वो एक्सेप्ट करने की कही जाएगी, आपको सिंपली पॉलिसी जो है एक्सेप्ट कर लेनी है। यहाँ पे मैं इसको अलाउ कर देता हूँ, यहाँ पे जितनी हमारे सब पॉलिसीज आ रही है उसके सामने जैसे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग लेने के बाद यहाँ देख सकते हो यहाँ पे आपको सब कुछ स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमें प्रीमियम का आएगा, हमें प्रीमियम लेना ही नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पर्सन पे क्लिक करेंगे। पर्सन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो हमारी वो फ़ोटो है उस पर जो हमारा जिसको जिसका हमें बैकग्राउंड चेंज करना है उस फ़ोटो को हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ कुछ स्कैन होगा, मतलब जो हमारी फ़ोटो है कुछ ऐसी स्कैन सी होगी, उसके बाद जो कुछ टाइमिंग लेगा उसके बाद कुछ ऐसा। सो गाइस, जैसे स्कैन होगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, उसके बाद वो करना क्या है, यहाँ पे आपको PNG वाले फॉर्मेट में जो आपको दिख रहा होगा ये वाला जो हमारा फॉर्मेट है PNG वाला फॉर्मेट, आपको उसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ये साइड में एरो छोटा सा बना हुआ है, इस एरो पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को और मिल जाता है, ये रहा जो हमारा है इरेज का ऑप्शन। ठीक है, तो आप करना है आपको यहाँ इरेज के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हो फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाता है साइज़, यहाँ पे आपकी सॉरी यहाँ पे उसका साइज़ आप साइज़ देख सकते हो बड़ा कर सकते हो, मतलब आपको आपके इरेज के ऊपर डिपेंड करता है आपकी आप कैसे इरेज करते हो। फिर आपको ब्लर का भी मिलता है, ब्लर आप जो कितना रखना चाहते हो, ऑफसेट मतलब कितना क्या ऐसा क्या होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे इसे जो हम जीरो रहने देते हैं। उसे आप करना क्या है, यहाँ पर आपका कुछ फ़ोटो में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ ना कुछ चीज़ें दिक्कत आ रही हैं। ओके, तो गाइस अभी जो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे फ़ोटो में जो है क्या दिक्कत आई थी जो मैंने इसको अभी करा है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखो, आप देख पा रहे हो ऊपर के साइड में ये जो है थोड़ा सा मैं न्यूज़पेपर दिख रहा है, जो मेरा वो था उसका जो है न्यूज़पेपर दिख रहा है। तो उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है,
इरेजर पे जाना है। उस पर आपको यहाँ इरेज पे जाने के बाद यहाँ पे इसका साइज जो सिलेक्ट कर सकते हो, फिर आपको थोड़ा ऊपर साइड करना है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे थोड़ा आ जाने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका यहाँ पे ड्रॉ पे जाना है, सॉरी आपको जो है यहाँ पे ऐसे जाना है इरेज पे, और जो बैकग्राउंड ऊपर का रह रहा था सिंपली आपको इसे ऐसे इरेज कर देना है। अभी जो आप देख रहे हो थोड़ा सा और जो है रह गया हमारा, तो इसे भी अपन कर लेते हैं अभी। तो कुछ हाँ, तो गाइस अभी आप देख सकते हो हमारा जो पूरा ये बैकग्राउंड जो था वो अच्छे से हो गया है। वो सब आप डन पे क्लिक कर देना है। डन पे जैसे क्लिक करते हो ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा, मतलब थोड़ा टाइमिंग लेगा। टाइमिंग लेने के बाद आप देख सकते हो कुछ ऐसा आ जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पे आपको डाउनलोड के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करते हो आ गया इमेज सेव सक्सेसफुली। तो जो है आप इसी तरीके से इसे कर सकते हो। सो गाइज आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। दोनों मेथड में से आपको कौन सा मेथड ज़्यादा बेनिफिट लगा है, फिर आपको कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, अगर लगा है इन्फॉर्मेटिव है यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, कर दो भाई लाइक। कुछ नहीं जानता, छोटी वीडियो बड़ी वीडियो मेहनत लगती सब में सेम है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब भी कर दो यार, क्योंकि आपको ऐसे कंटेंट्स मिलते हैं और मिलते रहेंगे आगे भी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दो, फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करो। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।